દિલ્હીના મુખ્યપ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલે રસી મુદ્દે નિવેદન આપ્યું છે. અમારી પાસે હવે થોડા દિવસ ચાલે તેટલો જ રસીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ હોવાનું કેજરીવાલે કહ્યું. રસી બનાવવાનું કામ દેશની અન્ય કંપનીઓને સોંપવામાં આવે તેવી પણ વાત અરવિંદ કેજરીવાલે કરી છે. સાથે પીપીઈ કિટની જેમ રસી નિર્માણનું કામ અન્ય કંપનીને જો સોંપી દેવામાં આવે તો વેક્સિનેશન અભિયાન વધુ ડબલ ઝડપે આગળ વધી શકે છે. રસીની અછત દેશની સૌથી મોટી સમસ્યા બની રહી હોવાનું કેજરીવાલે કહ્યું. આ ગતિએ કામ ચાલ્યું તો રસી ઉત્પાદનમાં વર્ષો લાગી જશે તેમ પણ અરવિંદ કેજરીવાલ पास अब केवल कुछ दिन की वैक्सीन बचा है और यह समस्या देशव्यापी है. पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है. कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां वैक्सीन न होने के कारण अभी तक वैक्सीनेशन शायद शुरू भी नहीं हो पाया. वैक्सीन की कमी देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई है. आज केवल दो कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं. ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं. तो इस तरह तो हम देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज्यादा टाइम लग जाएगा. तब तक तो कोविड की पता नहीं कितनी लहरें आ जाएंगी, कितनी बर्बादी हो जाएगी. इसलिए जरूरी है कि हम भारत में वैक्सीन का उत्पादन युद्ध स्तर पर बढ़ाएं और देश के हर नागरिक को अगले कुछ महीने में वैक्सीन लगाने की राष्ट्रीय योजना बनाएं. जब तक हर भारतीय को वैक्सीन नहीं लगती तब तक ये जंग जीती नहीं जा सकती. मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूं. वैक्सीन बनाने का काम केवल दो कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया